मुंबई में रिटायर्ड फौज के अफसर की पिटाई पर उद्धव सरकार बुरी तरह से गिर गई है। ये नौसेना के अफसर थे, बीजेपी ने उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांदीवली में एसीपी के ऑफिस के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शन में पूर्व रिटायर्ड फौजी की बेटी भी शामिल हुई हैं। आरोपियों को जमानत मिलने का विरोध किया जा रहा है। आरोपियों पर गंभीर धाराएं लगाने की मांग की जा रही है। विरोध बढ़ा तो पुलिस ने सफाई में कहा कि वो इस मामले को देख रहे हैं। आरोप है कि नेवी के पूर्व ऑफिसर को शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने घर से खींच कर मारा था। उन्होंने व्हाट्सएप पर उद्धव ठाकरे से जुड़े कार्टून को सिर्फ फॉरवर्ड किया था। सीसीटीवी में मारपीट की तस्वीरें साफ तौर पर कैद हुई थी, जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ सीसीटीवी में वो तस्वीरें हैं जिनमें पूर्व नेवी ऑफिसर शर्मा को पीटते हुए दिखाया जा रहा है, और दूसरी तरफ उनकी बेटी और बीजेपी के नेता धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। हालांकि 6 शिवसेना के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सभी कुछ ही घंटे में छूट गए, यानी कि थाने से इन लोगों को जमानत दे दी गई। कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देकर उन्हें जाने दिया गया, और यही एक सवाल है कि उन्हें आपने इतनी जल्दी क्यों जाने दिया। घटना से पूर्व नेवी ऑफिसर का पूरा परिवार बुरी तरह से सकते में है। परिवार ने न्याय की मांग की है। मुझे मालूम नहीं था कि कौन बुला रहे हैं, लेकिन नंबर से मैं नंबर दे दिया हूं मैं, और वो बुला रहे थे कि हमको बात करने का है, वो कुछ वायरल मैसेज के लिए। कोई कार्टून था, वो आपका सोनिया गांधी जी का, पवार जी का, और अपना सीएम महाराष्ट्र सीएम जी का, उद्धव ठाकरे जी का। कोई कार्टूनिस्ट था, वो कार्टून बना करके वो मीडिया पर डाला हुआ है व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर आने से मैं भी, जब मेरे को मिला तो भी मैं फॉरवर्ड किया, तो उस पर हमको धमकी दिया गया कि ऐसा करते हो घर पर आकर के मारेंगे। फॉरवर्डेड मैसेज, जो कार्टून का मैसेज है, वो एक फॉरवर्डेड मैसेज के लिए इतना बड़ा एक 65 इयर्स ओल्ड आदमी को वो इस तरीके से मार सकते हैं। साधारण नागरिक बिल्कुल सेफ नहीं है। ये इधर जो भी मुंबई में हो रहा है, कोई अपना आवाज उठाता है उसको मार दिया जाता है, बुजुर्ग को मार दिया जाता है, उसका घर तोड़ दिया जाता है। ये खत्म होना चाहिए। ये टोटली खत्म होने के लिए प्रेसिडेंट रूल बहुत जरूरी है महाराष्ट्र में, री इलेक्शन बहुत जरूरी है महाराष्ट्र में। तो उनकी जान भी जा सकती थी, ये लोग जैसे मारे हैं। अभी तो एक ही फुटेज आया हुआ है, सर्कुलेट हुआ है, बाहर का फुटेज आया नहीं है। क्या बोले? वो एक घंटे बाद आई और दो पुलिस वाले आए और मेरे दरवाजे पर खड़े हो गए फ्लैट के, और बोल रहे हैं कि आपके पिताजी को लेके जाना है।